नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल और आदाब आप सभी को। मैं हूं आपका दोस्त सचिन भाटी और मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं ये इंटरेस्टिंग ब्लॉग जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं बिहाइंड द सीन। और इस वाले ब्लॉग में अल्टीमेट मजा आने वाला, अल्टीमेट मजा, क्योंकि इस वाले ब्लॉग में हमारे साथ होने वाले हैं पंजाब के सुपरस्टार परमीश वर्मा भाई। तो अभी हम चलते हैं, गाड़ी वगैरह हमारी रेडी है सब, यहाँ पे एक गाड़ी है एक गाड़ी वो है, चलते हैं सीधे शूट पे, सुपर गुड बिहाइंड द सीन होने वाला। फाइनली हम अपने शूट की फर्स्ट लोकेशन पे पहुँच चुके हैं और बहुत ही अमेजिंग शूट होने वाला है, बहुत नेक्स्ट लेवल शूट होने वाला है। इस भाई को देखो कैसे देख रहा है मेरे कैमरे में, लेकिन सही है, सब ऐसे ही देखते हैं जब कोई ब्लॉगर ऐसे कैमरा पकड़ के सड़क पर चल रहा होता है, लोगों को लगता है पागल है, लेकिन हमें तो अपनी जॉब करनी है ना, दिस इज़ आवर जॉब। आज जितना भी शूट होने वाला है वो इंडोर होने वाला है, ऑलरेडी प्लानिंग चल रही है। फर्स्ट शॉट खत्म हो चुका है, इतना सा शॉट था, अब जो सेकंड सेटअप होगा वो बाथरूम का होगा। अरे भाई किसकी फोटो देख रहे हो? कैप्चर्ड किसकी? तो बनाने के बाद भी सेट पे नहाना पड़ रहा है भाई को। उनकी कुछ कहानियां भी सुन रहे हैं, कुछ जो उनकी थोड़ी पर्सनल कहानियां है वो, तो वो हम ब्लॉग पे शो नहीं कर सकते। अभी परमीश भाई यहाँ पे आके जिम करेंगे तो उसका यहाँ पे सेटअप चल रहा है पूरा, वहाँ पे लाइट लगी है, डंबल लाए प्रोडक्शन वाले वाले, तुम सब डंबल लाए चलो ट्राई करते हैं। एक खास बात है हमारे प्रोडक्शन की, हम जो है यहाँ पे अगर मेहनत के साथ साथ खाने पीने के साथ साथ हम जिम वगैरह भी करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सब लोग अपना शॉट वगैरह डिस्कस कर रहे हैं और आदिश भाई मस्त हवा ले अपना यहाँ पे खड़े हो, और अपने ये मेकअप वाले भाई देखो अपना पता नहीं बैग वैग टांग के कौन से स्कूल जा रहे हैं, लेवल 3 का बैग है, पबजी में जीता इन्होंने। और ये देखो कौन सी सदी का फोन ले रखा है भाई ने, गिफ्टेड है गिफ्टेड है। अरे भाई मेरी एक स्नैप बनाना जरा, इससे स्नैपचैट बनाओ मेरी, देख लो भाई का फोन, लेकिन इसमें भी कैमरा है भाई, इसमें भी कैमरा है, देख लो बहुत पैसा लगा है, 1.5 लाख का है, पूरी बात सुनो, से 49,000 1 लाख और घटा दो। बंदा मेरी वीडियो पे डिसलाइक लगवाता है वो मेरे को मिल गया है, वो ये रहा बंदा, ये मेरी वीडियो पे डिसलाइक लगवाता है यार, तुम ना आई लव यू बोल दो, गुदगुदी सी हो रही है, दूर से उड़ती उड़ती खबर आई है लोंडिया ना तुम तो भलाई है। और मेरे साथ रजत भाई है, ये ब्रदर मार्केट भाटी भाई, ये परमीश भाई के फ्रेंड बने, मारने जा रहे हैं किसी को, ये चार पांच जने मिल गए, भाटी भाई ऑलवेज इन मार्केट, थोड़ी बहुत इंग्लिश हमने भी सीखी है, पुलिस भी यहाँ पे आ गई है, इतना बड़ा पंगा हुआ। भाई वो ना मम्मी ने ना गांव से कटोरदान भिजवाया है और इसमें ना लड्डू है यार, खोल ले घर आ तो आज, वो तो भलाई जो हम इतने तेरी वीडियो भेज दी, खबर तो नहीं जा, मैं मुझे पता नहीं क्यों मारना है तेरा, नया भी ना आता भाई, इतनी गलती है कि माफी मांग रहे हैं कि सारी गलतियों के लिए सॉरी कैमरा। कोई नहीं भाई कोई नहीं, ये तो चलता रहता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। पैक अप। और आज का जो शूट हुआ है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ हुआ है, एक्चुअली जो इंडोर शूट होते हैं वो थोड़े स्मूथ ही हो जाते हैं, आराम से एक कमरा मिल जाता है थोड़ा रेस्ट के लिए, लेकिन जो कल का शूट होने वाला है वो बहुत ही एक्टिव होगा, आउटडोर शूट होगा, यहीं पे एक पास में कोई लोकेशन है पे जाके हमको सुबह 8 बजे हमारा कॉल टाइम है और फिर रात तक शूट चलेगा 11-12 बजे तक, और एक अमेजिंग सीन भी है उसमें, फाइटिंग सीक्वेंस भी है, तो फाइटिंग भी देखने को मिलेगी आपको इस वीडियो में,
आई मीन आप लोगों ने देख ही ली होगी, बिहाइंड द सीन तो बेचारा बाद में ही आता है सबसे लास्ट में। तो अभी के लिए गुड नाइट, सुबह मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और इतने ज़्यादा एक्साइटेड हम शूट के लिए कि हम टाइम पे, बिल्कुल टाइम पे 6 बजे सबकी आँख खुल गई। कोई अभी नहा रहा है, कोई पूजा कर रहा है, मैंने भी एक्सरसाइज की है, थोड़ा सा एप्पल जूस पिया है। बहुत अच्छा मौसम है और बहुत मज़े आने वाले हैं आज के शूट में। आउटडोर शूट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अंटिल एंड अनलेस बारिश ना हो, बस लेट्स गो। तो अभी हम जा रहे हैं आज के शूट की फर्स्ट लोकेशन पे, जो कि होने वाली है यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर। तो जो शूट की स्टार्ट हो रही है वो हो रही है गरम गरम चाय से। सो अभी हमारे फर्स्ट सीन की तैयारी चल रही है यहाँ पे। बंदा बचा लेना जिसको लास्ट में मैं मारूंगा, आप अपने ही किस्मत अच्छी समझना। भाई की पावर देख लो, भाई ने एक बेसबॉल डंडा ऑलरेडी तोड़ दिया है। ऑलरेडी 120 लात खा चुका है भाई, अब इसकी 121वीं एरी। तो इस एक फाइटिंग सीक्वेंस को शूट करने में ही ऑलमोस्ट हमें 4 घंटे लग गए हैं। पहले हमने यहाँ पे लगाया था सेटअप, फिर उसके बाद पाजी ने कहा कि यहाँ पे लगाओ सेटअप क्योंकि थोड़ा खुला डुल्ला चाहिए। तो सुबह 10 बजे से फाइटिंग सीक्वेंस चल रहा है और 2 बज गए हैं और अब जाके फाइटिंग सीक्वेंस खत्म हुआ है, तो थोड़ा रिलीफ है। अब थोड़ा लंच करेंगे हम यहाँ पे। भाई ये यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, यहाँ पे क्या कर रहे हो? So, guys, ये जो सारी ट्रॉफीज आप सामने देख रहे हैं, सारी ट्रॉफीज मैंने और विकास भाई ने जीती है। मेरी का कुछ घर पे है जो कॉलेज टाइम में जीती हुई है। भाई कभी इनकी 190 घर पे रखी हुई है, मेरी 148 घर पे रखी है, बाकी ये थोड़ी सी है अपनी, बाकी हम टैलेंटेड ही इतने थे क्यों भाई। हाँ बिल्कुल भाई, कभी मान नहीं करा, पर हमें ये भी नहीं याद कि हमने ट्रॉफीज जीती कहाँ थी, मतलब कौन से कॉम्पिटिशन में जीती थी। थोड़ा कैमरा ऊपर कर ले, दिखाई नहीं दे रहा तुमको। सॉरी थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। सरदार जी के कैरेक्टर के लिए वाली ट्रॉफी थी, बीच वाली। तालियां तालियां तालियां। हमारे साइड में सिर्फ शूटिंग नहीं होती है, और वो नारियल वाला चल रहा है, वहाँ पे पूरा नारियल का सेटअप है। आसमान की ऊंचाइयों पर बाजी 100-200 रुपए ले लो, टांगे ऊपर कर बाजी, 500 ऊपर कर, अबे टांगे टूट। तो भाई पे लंबड़ गिन्नी, करारी, जय गवार, सारी गाड़ियां हैं। और नाम क्या भाई का, पर्सनालिटी, नाम क्या भाई का? ऑल आउट, ऑल आउट भाई, क्या हाल है? लेकिन नाम है ऑल आउट। ठीक है भाई, पिछली बार मेरी गर्दन पे कसा था, इस बार भाई की गर्दन तैयार है। क्या मतलब आप समझ गए हो कि स्क्रिप्ट राइटर कौन है हमारी वीडियो का? मेरे भाई तू लड़कियों के नंबर ले लियो, और ये भूल गया। लास्ट सीन है, बस लास्ट सीन के बाद सीधा रेस्टोरेंट वाला, उसके बाद भाई का। कितने बज गए हैं? एंड राइट नाउ टाइम इज 7:17, तो 11 बजे तक ऑलमोस्ट हमारा पैकअप हो जाएगा। ये बस इस सीन का लास्ट शॉट रहता है, उसके बाद पैकअप। नहीं हाँ, इसके बाद एक और शॉट रहेगा, लेकिन उसके बाद पैकअप है। सर इन नॉन वेज वी हैव स्पेशल टुडे स्मोक पोर्क चॉप एंड नेपोलियन जापानीका सुशी साश्मी कैपी ऑफ सोनामा। फाइनली जो शूट वगैरह वो सारा खत्म हो गया, बस पीछे मेरे एक शूट चल रहा है, वो भी थंबनेल का, जो थंबनेल लगेगा उसके ऊपर उसका शॉट चल रहा है, बाकी हमारा पैकअप रैप अप सब कुछ हो गया है। सो फाइनली वीडियो खत्म हो चुकी है और अभी हम वैनिटी वैन में, और वैनिटी वैन भी पूरी खाली हो चुकी है, बस मैं ही हूँ यहाँ पे और रिया है यहाँ पे। सो अब हम आपको बोलते हैं गुड बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये बिहाइंड द सीन भी पसंद आए होंगे, बहुत मस्ती की हमने। कुछ चीजें ऐसी थी जो मैं आपको दिखा नहीं पाया, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था चीजें मैनेज करने में, सोने में बिजी रहता है। मैं 1 मिनट के लिए सोया हूँ बस पूरे सेट पे, सोया क्या लेट आऊंगा मैडम, 5 घंटे सोइए इस वैनिटी वैन में वहां पे सामने। और अगर तुझे कसम है, अगर तू झूठ बोलेगी तो सोइए नहीं सोइए, इनफेक्ट 5 घंटे से फालतू ही सोई होगी, 1 घंटे ही सोई थी वैनिटी में बस। सो ऑन दिस वियर्ड सा नोट, ऑन दिस झूठ भरा नोट, आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग हियर ओनली। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, मस्त रहे, व्यस्त रहे, क्योंकि व्यस्त रहना
बहुत जरूरी है। कट इट।